ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। खतरे के निशान को पार करने में महज कुछ ही मीटर बचा। हिंदी खबर की टीम जब अलग अलग जगह की स्थिति का जायजा लेने पहुंची तो वहां से गंगा और यमुना का एक विहंगम दृश्य मिला। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया और इस वक्त हमारी मौजूदगी है प्रयागराज के न्यू नैनी ब्रिज के नीचे। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से प्रयागराज में गंगा और यमुना का जो पानी है वो काफी उफान पे है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जो डेंजर लेवल है वो 84 पॉइंट है, लेकिन अब जो यमुना का जो पानी है वो लगभग 82 मीटर आ चुका है। हालांकि 2 घंटे प्रति सेंटर की रफ्तार से जो है यहाँ पर लगातार पानी पड़ा। ये देखिए सीढ़ियां, आप देखिए सबसे पहले हम आपको ये सीढ़ी दिखाएंगे। इस सीढ़ी के नीचे भी कम से कम 100-150 नीचे सीढ़ियां बनी हुई हैं और ये पानी एकदम ऊपर अब सीढ़ियों के ऊपर आ चुका है। और यहाँ पर देखिए घनी बस्ती भी है और धीरे धीरे जो बस्तियां हैं वो भी अब पानी की चपेट में आने वाली हैं। तो यहाँ का जो प्रशासन है वो तटीय इलाकों में पहले से ही लोगों को अलर्ट कर दिया है कि जो जो लोग बाढ़ क्षेत्र इलाके में है वो मकान को खाली कर दें। लेकिन इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वो न्यू नैनी ब्रिज के नीचे, हालांकि लगातार प्रयागराज में इतनी बारिश नहीं हो रही है लेकिन मैदानी और पर्वत इलाकों में जो बारिश हो रही है और कई बांधों से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसका भी असर आपको यहाँ पर गंगा और यमुना के जल स्तर में बढ़ोतरी होते हुए आपको देखने को मिलेगा। तस्वीरें देखें कितनी डरावनी आपको दिखेंगी यहाँ पर, क्योंकि अब 2 ही मीटर बचा हुआ है पानी जो डेंजर लेवल के ऊपर जाना बाकी है। क्योंकि अगर हम पानी बढ़ने की रफ्तार की बात करें तो पानी 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है और इस वक्त जहां हमारी मौजूदगी है ये पानी जो है कम से कम यहाँ पर 100 फीट पानी की ऊंचाई पर हम खड़े हुए हैं और इसके नीचे का जो सीढ़ी का जो स्तर है वो कम से कम 100 से 150 नीचे इसकी सीढ़ियां बनी है। तो आप कह सकते हैं कि पानी जो है अब धीरे धीरे ऊपर के इलाकों में भी अब पहुंचने लगा है। हिंदी खबर के माध्यम से जब हम यहाँ पहले आए थे तो पानी बहुत नीचे था, लेकिन अब पानी की आपको हम ताजा स्थिति दिखा रहे हैं कि पानी यहाँ पर देखिए किस तरह से लगातार बढ़ रहा है। हालांकि प्रशासन ने जो है वो अलर्ट जारी कर दिया है और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी जो है वो खुद जाकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र इलाकों में दौरा कर रहे हैं। वीडियो न्यूज़ अशोक अवस्थी के साथ सौरभ मिश्रा। अभी हमने आपको न्यू नैनी ब्रिज से गंगा और यमुना का दृश्य दिखाया और हम अब पहुंच चुके हैं संगम तट पर जहां पर लेटे हुए हनुमान जी हैं और वहां से हम आपको गंगा और यमुना का विहंगम दृश्य दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो नावें हैं वो सड़कों पर चल रही है। कभी यहां से पब्लिक आया जाया करती थी लेकिन ये जो पूरा क्षेत्र है ये पूरा जलमग्न हो चुका है। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से खंभे जो हैं वो पानी में डूबे हुए हैं और ये आप देख सकते हैं शास्त्री ब्रिज का जो ये पुल है वो भी लगभग से लगभग आधा इस डूब चुका है। नावें जो है वो सड़कों पर चल रही हैं और एनडीआरएफ की टीम की बात करें, एसडीआरएफ की टीम की बात करें तो वो भी यहां पर लगातार जो है वो गश्त कर रही हैं और जो श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं और नाविकों को साथ ही साथ ये सलाह दी जा रही है कि जो श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं उनको इस बैरिकेटिंग के आगे यानी कि ज्यादा गहरे पानी में ना लेकर जाए और अगर बोट से वो जा रहे हैं तो उनको सबसे पहले जैकेट जो है वो दी जाए। तो आप तस्वीरें देखिए किस तरह से ये विहंगम तस्वीरें आपको देख रहे हैं, क्योंकि यहीं से ठीक 1.5 किलोमीटर जो है वो संगम है और संगम में श्रद्धालु जो है वो स्नान करने आते हैं। लेकिन ये पूरा जो एरिया है वो पूरा अब एकदम से जलमग्न हो चुका है। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी ये जो पानी है वो आपको देखने को मिलेगा। हालांकि अगर बात करें प्रयागराज की तो प्रयागराज में सिर्फ औसतम बारिश हुई है, लेकिन फिर भी गंगा और यमुना का जो जल स्तर है वो किस तरह से यहां पर बढ़ा हुआ है। अगर हम गंगा की बात करें तो गंगा का जो जल स्तर है वो 80 मीटर है और यमुना जी का जो जल स्तर है वो 82 मीटर तक बढ़ चुका है। हालांकि 2 मीटर अगर और यमुना का जल स्तर और बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आज जहां पर हम लोग खड़े हैं वो स्थान भी आपको डूबते हुए दिखेगा। ब्यूरो जर्नलिस्ट अशोक अवस्थी के साथ सौरभ मिश्रा।